यदमातपुर में खनन माफियाओं का जोर जबरदस्ती चल रही है। एक मजदूर को खनन माफिया ने ट्रैक्टर से कुचलकर मार डाला। आगरा में खनन माफियाओं के हौसले बुलंद है। आगरा पुलिस लाख दावे करे खनन पर रोक लगाने की, लेकिन पुलिस खनन पर रोक लगाने में नाकाम दिख रही है। मामला थाना यदमातपुर क्षेत्र के गांव गढ़ी संपत का है, जहां खनन माफिया गुड्डू ने गांव के सिंटू नाम के युवक को ट्रैक्टर से कुचलकर मौत के घाट उतार दिया। परिजनों के अनुसार गुड्डू सुबह सिंटू को जगाने के लिए घर आया, जगाकर अपने साथ ले गया, चलो बालू भरकर लाएंगे, वहीं उसको ट्रैक्टर से कुचलकर मौत के घाट उतार दिया। युवक की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घटना की जांच कर रही है। विजय सोलंकी, आगरा, समाचार 24। नाम है आपका? रागनी। क्या घटना हुई? भैया घर से सो रहे थे, जगह के ले गए बारू घर में, चलो बारू घर, मना करी मैंने, दो सो रहे ने कह दी कि मना कर दे, लेकिन टाड़े रहे ट्रैक्टर बंद करके गेट पे मेरे बीच में टाड़े रहे, जब तक लेने गए तब तक गए नहीं भैया। जो जिनकी मृत्यु हुई उनका क्या नाम है? सिंटू। पिताजी का क्या नाम होंगे? पिताजी अतना वीरेंद्र सिंह। कितने बच्चे हैं उनके पास? हमारे पास दो बच्चे, एक बेटी एक लड़का है। इस मामले को लेके आपने पुलिस से सूचना की? सूचना की है। पुलिस ने क्या आश्वासन दिया आपको? पोस्टमार्टम के लिए ले गए। अब आप क्या चाहती हो? भैया मैं न्याय मिलना चाहिए, जा बात को कि काय घर से जगह के ले गए बिना मना करी हमने। कौन लोग ले गए थे घर से जगह? कौन लोग ले गए थे? वो कहाँ के रहने वाले हैं? लेपा के रहने वाले, यही काम करते हैं, ट्रैक्टर चलाते हैं, बारू बारू मतलब खनन करते हैं। चलो।